हेलो, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल आकाशदीप। अब हम शुरू करने वाले हैं अभिमन्यु सीरीज़ का पार्ट टू, जो हम स्टार्ट किए थे इसके लिए यूपीएसआई क्रैश कोर्स के लिए परसेंटेज का आज लेक्चर दूसरा है। आइए देखते हैं। इसके पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर हिट जरूर करें फॉर नोटिफिकेशन, और लाइक करना ना भूलें एंड शेयर विथ योर फ्रेंड। हेलो, आज हम शुरू करने वाले हैं आज का हमारा जो दूसरा चैप्टर है परसेंटेज का, मैथ में जो पढ़ा रहे थे। पहले जो सीरीज चल रही है हमारी अभिमन्यु सीरीज की, हमारा जो दूसरा चैप्टर क्लास है यूपीएसआई क्रैश कोर्स के लिए, इसमें आज हम पढ़ेंगे परसेंटेज। पहले तो जानते हैं परसेंटेज होता है क्या है। परसेंटेज को हम हिंदी में बोलते हैं प्रतिशत, और इसका सिंबल जो होता है इस तरह से होता है। और परसेंटेज का मतलब क्या होता है? परसेंटेज का मतलब होता है कोई भी वस्तु अगर है तो हम उसे 100 मानते हैं। तो उसका जैसे कोई भी पार्ट निकालना हो, जैसे कि कोई भी पार्ट निकालेंगे, जैसे निकाला जाए पार्ट कितने परसेंटेज का है, तो मतलब कि हमें 100 से ही पता चलेगा कि जैसे कोई भी वस्तु है 100 के इक्वल रख देंगे। तो देखिए, तो मान लीजिए निकालना है हमें किसी वस्तु का, जैसे कि कोई वस्तु है, एक कोई यूनिट है, जैसे कि मान लेते हैं कि ये हमारा इसमें वाटर है, इसकी कैपेसिटी मान लेते हैं इस 50 लीटर, इसकी कैपेसिटी नहीं है 50 लीटर, तो ये 50 लीटर जो है हम इसके 100 के बराबर मानेंगे। तो देखिए 50 लीटर इक्वल इज 100, तो मतलब कि 1% जो होगा किसके बराबर होगा, इसके लिए देखिए क्या करेंगे, 100 डिवाइड बाय 50 जो अमाउंट होगा इक्वल इज, मतलब कि 1 लीटर बराबर जो होगा 2% के बराबर होगा। इसी तरह से कोई वस्तु है, जैसे कि मान लेते हैं इसे निकालना है 50 का 5%, तो 50 मल्टीप्लाई बाई 5% हटाएंगे तो डिवाइड बाई 100, तो इसे डिवाइड करने देखिए कितनी बार चला जाएगा इस 2 टाइम, फिर 5 से इसे टाइप डिवाइड करेंगे, देखिए 50 से चला कितने बार चला गया 2 टाइम, तो 2 से 5 गया तो कितना आएगा इस 2.5 लीटर, मतलब 50 का 5% कितना है 2.5 लीटर, और 1% बराबर 1 लीटर बराबर कितना है 2%, मतलब कि 1% बराबर इज 0.5 लीटर। अब चलते हैं हमारे आज क्वेश्चंस पे। ये क्वेश्चंस क्या लिखा हुआ है, ये क्वेश्चंस जो लिखा हुआ है, पहला इफ 80% ऑफ ए इक्वल टू 50% ऑफ बी एंड बी इक्वल इज x% ऑफ ए, बी की वैल्यू जो है x% ऑफ ए, तो फाइंड करनी है हमें, फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स। देखिए क्या रही है, 80% ऑफ ए और 50% ऑफ बी, तो बी की वैल्यू क्या रखे x% ऑफ ए, तो देखिए ऑफ मतलब होता है मल्टीप्लाई, देखिए 80% ऑफ ए इक्वल इज 50% ऑफ बी, और बी की वैल्यू क्या दी हुई है x% ऑफ ए, तो 80% ऑफ रहेगा मल्टीप्लाई ए इक्वल 50%
मल्टीप्लाई बाय बी की जगह पे इसको रखेंगे, एक्स परसेंट ऑफ ए। देखिए दोनों तो परसेंटेज है, तो परसेंटेज हटेगा तो क्या है, डिवाइड बाय 100 होगा, तो 80 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय ए इक्वल 50 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय एक्स, तो परसेंटेज हटा दो डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय ए। देखिए ए से ए कैंसिल, 100 से 100 कैंसिल, और फिर देखिए 50 से डिवाइड करेंगे कितनी बचला जाएगा, इस 2 टाइम, तो 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी इस साइड पोजिशन पे, तो एक्स बराबर कितना आ जाए, एक्स बराबर इस 160, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, इस 160 आ गई। तो इसी तरह चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है, इफ एक्स इज 80% ऑफ वाई, वॉट वॉट प्रेजेंट वॉट परसेंटेज ऑफ एक्स इज वाई, बस परसेंटेज ऑफ एक्स इज वाई। देखिए क्या दिया हुआ है, एक्स इज 80% ऑफ वाई, एक्स इक्वल इज 80% ऑफ मतलब मल्टीप्लाई बाई वाई, मतलब कि एक्स इक्वल इज 80 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय वाई, तो एक्स बराबर कितना आ गया, इस देखिए 0 से 0 कैंसिल, 2 से काटेंगे 4 डिवाइड बाय 5, 4 डिवाइड बाय 5 वाई, तो एक्स एक्स इक्वल कितना आया, 4 डिवाइड बाय वाई। तो परसेंटेज पूछा गया है कि एक्स इज वाई परसेंटेज, तो एक्स और वाई के बीच परसेंटेज निकालना है, तो देखिए परसेंटेज निकालते हैं, इसे निकालना है तो इसके लिए एक्स इज एक्स एक्स इज वाई परसेंटेज, तो देखिए वाई डिवाइड बाय एक्स मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं। देखिए वाई वाई फिर एक्स की वैल्यू हमने क्या निकाली है, 4 डिवाइड बाय 5 वाई, वाई से वाई कैंसिल मल्टीप्लाई बाय 100, 4 से ऐसे काटेंगे इस 25, 25 मल्टीप्लाई बाई 5 इक्वल इज कितने परसेंटेज आ गया है, एक्स इज वाई परसेंटेज, तो इसका निकल के आया इस 25 मल्टीप्लाई बाई 5 करेंगे इस 125% आंसर आ गया हमारा। तो इसलिए देखिए एक्स इज वाई परसेंटेज इज 125%। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, इफ 120 इज 20% ऑफ अ नंबर, देन 120 परसेंट की संख्या का 20%, देखिए 120 इज 20% ऑफ अ नंबर, देन फाइंड दी 120%। देखिए अगर दिया हुआ है 20% ऑफ, मान लेते किसी नंबर का एक्स परसेंट का 20% दिया हुआ है इज 120, तो निकालना क्या इसका कितना है, 120%, तो 120% निकालना है, तो मतलब कि एक्स इक्वल इज, तो पहले तो वैल्यू निकाले थे, वैल्यू क्या होगी इस 120 डिवाइड बाई 20, इसे बता रहा परसेंटेज रहता है, तो एक एक 20% तो डिवाइड करेंगे 100 से, 20 से काटेंगे इसे, देखिए कितने बार जाएगा, 6 टाइम, तो एक्स की वैल्यू इज 600 आ गई। तो 600 का 120% निकाल लें, तो मतलब कि 600 120% मतलब डिवाइड बाई 100
जीरो से जीरो कैंसिल, 12 × 72 = 720 आ गया आंसर। बस इसके लिए एक दूसरा मेथड यूज करेंगे हम, जब दिया हो 20% = 120 तब निकालना क्या है 120%। तो इसलिए देखिए निकालने के लिए 120 / 20% × 120%। तो परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, 20 से काटेंगे दिस 6 टाइम, तो 6 × 120 = 720। दिस इज शॉर्ट ट्रिक। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, जैसे मैं ले लेता हूं, देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है कि व्हाट इज 25% ऑफ 20% ऑफ 300। देखिए इसके लिए कैसे सॉल्व करेंगे, 25% रहेगा डिवाइड बाय 100, ऑफ का मतलब कि मल्टीप्लाई, फिर 20, फिर परसेंटेज रहेगा डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 300। देखिए जीरो से जीरो कैंसिल, 25 से 100 जाएगा 4 टाइम, 4 से 20 जाएगा इज 5 टाइम, 5 × 3 इज कितना आ गया इज 15 आंसर आ गया। तो इसका आंसर कितना होगा 15। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5th, क्वेश्चन नंबर 5th में दिया हुआ है कि इफ दी इनकम ऑफ राम इज 10% मोर देन दैट ऑफ सॉरी श्याम दी इनकम ऑफ श्याम लेस राम। तो देखिए राम इज 10% मोर देन श्याम, तो मान लेते हैं जैसे जैसे कि राम की इनकम अगर है, सॉरी श्याम श्याम की इनकम है x%, x रुपीज, तो इसका 10% मोर, तो मतलब कि 10% मोर क्या होगा, तो देखिए राम इनकम जो होगी श्याम की 10% मोर, तो इसका मतलब कि राम की इनकम इज एक्स ये मोर होगी, तो मल्टीप्लाई बाई 100, और जितनी मोर होगी उसे प्लस करेंगे प्लस 10, 80% आएंगे डिवाइड बाय 100, तो राम की इनकम कितनी हो जाएगी, देखिए इस 110 डिवाइड बाय 100 एक्स इक्वल इज 1.1x। देखिए श्याम की इनकम कितनी है एक्स है, तो राम की इनकम कितनी हो गई 1.1x। तो निकालना क्या है, श्याम की श्याम लेस इनकम कितना है, तो देखिए श्याम कितना कम है, तो देखिए इसके लिए परसेंटेज निकालेंगे, तो देखिए तो कितना है 1.1x माइनस एक्स डिवाइड बाय श्याम से निकालना है, तो श्याम की कितनी कितनी इनकम है, मतलब कि श्याम की कितनी लेस है, तो इससे डिवाइड करेंगे, मतलब कि 1.1 × 100। देखिए 1.1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा इज 0.1x डिवाइड बाय 1.1
वन एक्स, देखिए पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, मल्टीप्लाई बाई 100, तो क्या आया एक्स से एक्स कैंसिल, तो वन डिवाइड बाई 11 मल्टीप्लाई बाई 100 इक्वल इज, 11 से डिवाइड करेंगे तो कितने के बाद जाएगा 9 टाइम, तो 9 सही 1/11% लेस है, 10% मोर है राम की इनकम श्याम से, और इस श्याम लेस है राम की इनकम से 9 सही 1/11%। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, तो क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है इसमें कि मैं क्वेश्चन थोड़ा चूज कर लेता हूं, क्वेश्चन को थोड़ा देखिए लिखा हुआ है जैसे कि सेम क्वेश्चन है उसी तरह का, इफ एस इनकम इज 40% लेस देन डेट ऑफ बी, हाउ मच परसेंटेज हाउ मच परसेंटेज परसेंट लिख सकते हैं हाउ मच परसेंट परसेंट बीस इनकम इज मोर देन, देखिए क्या दिया हुआ, एस इनकम इज 40% लेस देन बी इनकम, तो बीस इनकम इज मोर देन ए इनकम निकालना है। देखिए ए और बी, देखिए ए की इनकम क्या है 40% लेस है बी की इनकम से, तो मतलब मान लेते हैं, देखिए हमने क्या बताया था परसेंटेज होता है 100 के इक्वल होता है, तो मान लेते हैं इसका इनकम है बी की इज 100x, तो एक इनकम जो है एक इनकम है बी से 40% लेस है, तो देखिए देखिए 100x अगर लेस होता है तो मल्टीप्लाई बाई 100 में से जितना लेस हो तो उसे 100 में से 40 माइनस करेंगे, तो डिवाइड बाई 100, जैसे सॉल्व करेंगे देखिए क्या आएगा, 100x मल्टीप्लाई बाई 60 डिवाइड बाई 100, तो देखिए कितना आया इस 60x, तो हमारी किसकी इनकम आ गई 60x इस ए की इनकम। ये पूछा गया है 20 इनकम इज मोर देन ए, तो इसके लिए देखिए मोर निकालने के लिए किससे इनकम है ज़्यादा ए से निकालना है, तो 100x माइनस 60x डिवाइड बाय इसकी इनकम से कितने ज्यादा है, तो मतलब 60x मल्टीप्लाई बाय 100, 40x डिवाइड बाय 60x मल्टीप्लाई बाय 100, x से x कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, फिर 2 से काटेंगे तो 2 डिवाइड बाय 3, तो मतलब कितना आया इस 200 डिवाइड बाय 3% या तो 6 6 और 2/3% या तो 200/3 और या 66 सही 2/3%। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। इसे मैं क्वेश्चन और देख लेता हूं, इफ 60% ऑफ
स्टूडेंट्स इन आ स्कूल आर बॉयज एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 972. हाउ मैनी बॉयज आर देयर इन द स्कूल. तो देखिए 60% ऑफ स्टूडेंट जो है बॉयज हैं और बाकी परसेंटेज कितने हैं गर्ल्स हैं. तो देखिए बॉयज कितने हैं इज 60% और तो गर्ल्स कितनी होंगी, गर्ल्स जो होंगी कि ये तो बॉयज है दो गर्ल्स हैं तो गर्ल्स जो होंगी इसका 100 टोटल कितना टोटल परसेंटेज कितना होता है 100% होता है. तो 100 में से 60 माइनस कर देंगे तो कितने परसेंटेज है 40%. और 40% इक्वल कितना दिया 972. तो 60% बराबर क्या होगा, देखिए 60% बराबर जो होगा इक्वल इज देखिए 972 जी किसके इक्वल है 972 के इक्वल है 40%. तो 972 डिवाइड बाय 40 मल्टीप्लाई बाय 60% निकालना है तो 60% से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसे सॉल्व करेंगे. देखिए 0 से 0 कैंसिल, 2 से 3 2, अब 2 से इसे डिवाइड करेंगे 8, फिर कितनी बार जाएगा सॉरी 2 से डिवाइड करेंगे 4 टाइम, अब इसे जाएगा देखिए 17 हाथ से लेकर लगा तो 16 हाथ से लगा 1 6, अब इसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल इज 6 3 18 वहाँ से लगा 1 8 3 24 1 25 वहाँ से लगा 2 4 3 12 2 14. तो कितने बॉयज हो गए 1458 बॉयज हो गए. तो नंबर पूछता कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं तब निकालते, देखिए 40% तब निकालते, देखिए 972 डिवाइड बाय 40 मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं तो जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालते हैं वो हमारे टोटल नंबर स्टूडेंट. जैसे निकाल जैसे मैं निकाल के दिखा देता हूँ किसे, 4 से काटेंगे 2 टाइम 1 फिर 4 फिर 3 ये कितना आ गया टोटल स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने आ गए 2430 स्टूडेंट आ गए, ये टोटल स्टूडेंट है. देखिए बॉयज जितने कितने बॉयज हैं, ये हैं बॉयज, देखिए बॉयज और गर्ल्स को अगर ऐड कर लेंगे देखिए टोटल तुम्हारा जो टोटल नंबर स्टूडेंट निकालेंगे, या तो ऐसे कर लें या तो हमें पूरा 100% निकाल लें. अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे जी, हमारा क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 में थोड़ा सा हम बढ़ाते हैं, थोड़ा सा लेवल अप करते हैं. जिसे दिया हुआ है टू नंबर्स आर रिस्पेक्टिवली 20% एंड 50% मोर देन द थर्ड नंबर देन
रेशियो ऑफ दी टू नंबर्स। तो देखिए क्या बोला, टू नंबर्स हैं आर रेस्पेक्टिवली 20% एंड 50% मोर देन दी थर्ड नंबर। तो नंबर मान लेते हैं जैसे पहला नंबर ए बी और सी, जो तीसरा नंबर मान लेते हैं इस हंड्रेड, जो हमने मान लिया हंड्रेड है, मतलब जो पहला नंबर जो है 20% मोर है तो दूसरा नंबर जो है 50% मोर है। तो हंड्रेड का मोर निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, तो देखिए पहले निकाल लेते हैं ए, ए का कितना परसेंट मोर है 20%, तो प्लस 20 डिवाइड बाय हंड्रेड, तो हंड्रेड से हंड्रेड कैंसिल हो जाएगा। अब कितना आया, ए इक्वल इज 120, ए की वैल्यू कितनी आ गई 120 आ गई। अब निकालते हैं बी कितनी है, बी और देखिए हंड्रेड कितना मोर है 50% मोर है, तो 50 डिवाइड बाय हंड्रेड, हंड्रेड से हंड्रेड कैंसिल, तो बी इक्वल इज 100, तो बी की वैल्यू आ गई 150। तो अब देखिए क्या निकालना है, ए और बी का रेशियो निकालना है, तो मतलब कि 120 रेशियो 150, देखिए 0 से 0 कैंसिल होगा, 3 से डिवाइड करेंगे 5 टाइम चला जाएगा, फिर ये 4 टाइम चला जाएगा, तो मतलब ए रेशियो बी इज 4:5 आ गया। तुम्हारा आंसर आ गया, पूछा गया था दो दो नंबर का रेशियो 4:5। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 को मैं होमवर्क देने वाला हूँ, तो इसे आप सॉल्व करके आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। तो थोड़ा मैं बड़ा क्वेश्चन दे देता हूँ इसे, इस सैलरी इज 50% मोर देन डेट ऑफ बी, हाउ परसेंट इज बीस सैलरी डेट ऑफ ए। इसमें ऑप्शन लिख लीजिए, ऑप्शन ए इज 50%, ऑप्शन बी इज 33% ऑप्शन सी इज 45% ऑप्शन डी इज 66 सही 2/3। अब इसे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी ऑन यूट्यूब। हमारी जो सीरीज़ है अभिमन्यु सीरीज़ का दूसरा चैप्टर था परसेंटेज UPSI कोर्स के लिए। अगर आपको पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब करके शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड के साथ, और अपना फीडबैक जरूर दें कमेंट बॉक्स में, जिससे कि हम इसमें और इम्प्रूवमेंट कर सकें। थैंक यू।